ये पहली बार हो रहा है। चुप, एकदम चुप। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मेरे बेटे गुलशन सिन्हा की मार्क लिस्ट है। कौन गुलशन सिन्हा? ये भी बहुत मार खाएगा तू। सॉरी मॉम, वो क्या हुआ, सब लोग मुझे गिल्ली गिल्ली कहते हैं ना, इसलिए मैं अपना नाम ही भूल गया। शट अप, गिल्ली पढ़ाई कर। करूंगा मॉम। ऐसा कहते कहते मेरा गला सूख गया, लेकिन तुम, हाँ तो फिर ढांडा अंकल के साथ मस्ती कौन करेगा? कौन करेगा? खेलेगा कौन, टीवी कौन देखेगा? लेकिन मॉम, मैंने पेपर्स बहुत अच्छे लिखे थे। क्या क्या खाक अच्छे लिखे थे? हाँ मॉम, टीचर ने ये भी कहा कि गलत आंसर अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना कोई गिल्ली से सीखे। हे भगवान, मैं इसका क्या करूं? मॉम आप टेंशन मत लीजिए, आप ही ने तो डैड से कहा था कि छोटे मोटे टेंशन तो होते रहते हैं। तो ऊपर जा, अपने कमरे में जा, आज की बात तेरे तरफ मैं देखूंगी। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करता है और पढ़ाई के वक्त ये। हाँ अभी विक्रम को आने दे, मैं अच्छी खबर लूंगी तेरी, देख लेना। तो सॉरी मॉम, अगले एग्जाम में। तू ऊपर जा, जा ऊपर। क्या है? ओ, गिल्ली की मार्क लिस्ट। गुड गुड, कांग्रेट्स पल्लू, कांग्रेट्स। कांग्रेट्स क्यों? अरे भाई, हमारे बेटे की मार्क लिस्ट है, डिस्टिंक्शन तो लाया ही होगा। पहले देख तो लो। ये गिल्ली की मार्क लिस्ट है? हाँ। इतने कम मार्क्स? हाँ। गिल्ली, गिल्ली। आप उसे मत बुलाओ, मैंने उसे बहुत डांट दिया है। थैंक्स। क्या? I mean, अच्छा किया तुमने डांटा, अच्छा किया। विक्रम, तुम्हारा दिमाग अभी भी ऑफिस में है ना? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। नहीं नहीं, मैं टेंडर के बारे में नहीं सोच रहा था। विक्रम, I'm sorry, बोलो बोलो बोलो। देखो विक्रम, मैंने गिल्ली को बहुत डांट दिया है, लेकिन हमें उसके पढ़ाई के बारे में कुछ करना होगा। अब हम तो उसकी पढ़ाई नहीं कर सकते ना। विक्रम, हमें शांति से सोचना होगा कि हम उसकी पढ़ाई के बारे में क्या कर सके। पल्लो देखो, मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, शाम को थका हारा लौटता हूँ, मैं तो गिल्ली की पढ़ाई नहीं ले सकता। तुम भी घर में सारा दिन बिजी रहती हो, क्यों ना एक काम करें, गिल्ली को किसी के यहाँ ट्यूशन के लिए भेजें। गुड आइडिया, लेकिन किसके यहाँ? सोसाइटी में ऐसा कोई आदमी ढूंढते हैं जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, अकलमंद हो, जो बच्चों को समझता हो, और सबसे बड़ी बात उसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो। विक्रम, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? एक मिनट, ढांडा साहब को पता होगा। हाँ शायद। ढांडा साहब, विक्रम बोल रहा हूँ, आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, अकलमंद हो? जानता हूँ मैं। कौन है, कौन है? वीपी ढांडा, मतलब मैं, बीए एमबीए। पर ढांडा साहब, आपने पहले कभी किसी को पढ़ाया है? अरे मैंने अच्छे अच्छों को सबक सिखाया है, वो सुधीर शर्मा जानते हो तुम, और वो अंबानी, ये सारे फेमस लोग, मैंने ही सिखाया उनको। ढांडा साहब, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वैसे प्रॉब्लम क्या है? क्या है, हम लोग गिल्ली के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ रहे थे, गिल्ली अकल से आपके पास पढ़ने आ जाएगा। हेलो हेलो, सुनो सुनो, विक्रम कहाँ जाएगा? गिल्ली ढांडा साहब के यहाँ। यार रख दिया, लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, मैंने कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। नहीं 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 नहीं, गिल्ली गिल्ली निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो, गिल्ली गिल्ली। वीर वीर, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? सपना देखा? हाँ सपना देखा, एक नहीं दो दो सपने देखे, एक इसमन कलर में और एक ब्लैक एंड व्हाइट में। मैंने देखा मैं गिल्ली को पढ़ा रहा हूँ और धीरे धीरे सब कुछ भूल रहा हूँ। मतलब? पहले मैं नंबर भूल गया, बाद में मैं ब्लैंक हो गया, और मैं हिंदी भाषा भी भूल गया, और मैंने देखा गिल्ली मुझे उसके स्कूल बैग में भर रहा है, और ऊपर उसने बड़ी बड़ी किताबें रखकर मुझे बंद कर दिया है। वेद, तुम भी कमाल करते हो, गिल्ली तो बच्चा है, तुमसे पढ़ने आ रहा है, बस उसे पढ़ा, बात खत्म। अरे इतिहास गवाह है, उसने मेरे साथ कैसा सुलूक किया है। देखो चलो, अगर मैं ना उठूं ना तो तुम कह देना वेद उठ जाओ, वरना गिल्ली आ जाएगा। मैं उठ जाऊंगा। वेद अब सो जाओ, नहीं तो गिल्ली आ जाएगा। गिल्ली चलो जल्दी नीचे आ जाओ, डांडा साहब आते ही होंगे, चलो जल्दी।
और देखो गिल्ली, डांडा साहब को तकलीफ मत देना, हाँ अच्छे से पढ़ना। लेकिन माँ, मैं कहाँ डंडा अंकल को कभी तकलीफ देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं किचन में हूँ। हाँ ओके माँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डंडा अंकल। चलो चलो किताबें निकालो। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम देखने आए हैं। क्या देखने आए हो? कि आप सर जी को कैसे पढ़ाते हो। अच्छा मुझे जज करने आए हो? हाँ, अगर आपने सर जी को ठीक से पढ़ाया तो मैं भी आपके पास ट्यूशन के लिए आऊंगा। वैसे अंकल आप कहाँ तक पढ़े हो? बीए। क्या अंकल आप भी इतने बड़े हो के आप सिर्फ दो ही शब्द पढ़े हो और वो भी उल्टे बीए। अरे गधे, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर? लेकिन अंकल आप तो शादीशुदा है ना। अरे बच्चों तुम लोग देखो, अभी गिल्ली के ट्यूशन का वक्त है, बाद में आना। हाँ आंटी, मुझे भूखे पेट चला नहीं जा रहा। पहुंची, रुको। चलो बच्चों सब लोग जाओ, अभी गिल्ली के ट्यूशन का टाइम है, सब लोग जाओ। चलो चलो चलो। ओके अंकल, बाय। ऑल द बेस्ट डंडा अंकल। किस लिए? पहुंची, ये लो। थैंक यू आंटी। आंटी बाय। चलो 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 चलो। बाय गिल्ली, देखो मन लगा कर पढ़ना। हाँ और अब ये तुम्हारे अंकल नहीं है, इन्हें सर कह के पुकारो। ओके ओके मैडम, मैं अभी आती हूँ। हाँ, चलो आज से शुरू करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ? आपको कौन सा आता है? मुझे तो सब कुछ आता है। आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का मूड है तुम्हारा? क्रिकेट। नहीं क्रिकेट नहीं, क्रिकेट बाद में। देखो हम पहले ज्योग्राफी सीखते हैं। ओके अंकल। ओके सर। देखो पृथ्वी के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? यही कि उस पर हम लोग रहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब अंतरिक्ष। अंकल अंतरिक्ष मतलब क्या? अंतरिक्ष मतलब स्पेस। स्पेस में जैसे स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, गैलेक्सीज होती है। हमारी जैसी गैलेक्सी है ना, वैसे और भी गैलेक्सीज है। अंकल, इसका मतलब कि हमारे जैसे लोग, हमारी जैसी अर्थ और भी होंगी? हाँ जरूर होंगी बेटे, दूर कहीं अंतरिक्ष में, दूर किसी प्लेनेट पर जीव भी हो सकता है। लेकिन गिल्ली बेटे, अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना, तो हमें किसी और प्लेनेट पर जाके रहना पड़ेगा। नहीं डंडा अंकल, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे वाह रे वाह, अगर पृथ्वी इंसानों से भर गई तो क्या करोगे? लेकिन डंडा अंकल, ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? अरे लोगों को बच्चे होते हैं ना, तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अभी देखो ना, इस घर में तुम्हारे मॉम और डैडी ही थे पहले, बाद में तुम आए, पॉपुलेशन बढ़ गई। लेकिन डंडा अंकल, हाँ? ये बच्चे कैसे आते हैं? बस आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ? नहीं अंकल, आप मुझे अब भी बताइए ना। नहीं, साइंस पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। नहीं अंकल, आप मुझे अभी बताइए, मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ। पल्लवी, बाद में आता हूँ मैं। अरे ये ढांडा साहब कहाँ गए? पता नहीं, मैंने सिर्फ उन्हें एक सवाल पूछा, वो चले गए। अब तुमने क्या पूछा? मैंने सिर्फ इतना पूछा कि ये बच्चे कहाँ से आते हैं। लगता है अंदर दूध जल रहा है। आई गिल्ली, कैसे हो तुम? मैं जुपिटर से आया हूँ। How are you? मैं जुपिटर से आया हूँ। मैं गिल्ली हूँ।
गुड आफ्टरनून सर, आपने मुझे बुलाया। गुड आफ्टरनून गुलशन सिन्हा, घर में तुम्हें कौन पढ़ाता है? टंडा अंकल, वही मेरा ट्यूशन लेते। अच्छा अच्छा ट्यूशन। क्या करते क्या है तुम्हारे डंडा अंकल? He is my best friend. अच्छा, इसका मतलब है तुम अपने ही उम्र के लड़के को अपना अंकल कहते हो या उसका नाम? नहीं सर, वो अंकल ही है, but he is my best friend. ये अंतरिक्ष में जीव रहते हैं, ये बात डंडा अंकल ने मुझे सिखाई है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? और तुम बाकी सारे सब्जेक्ट जो है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, वो सब उनसे सीखना, और ज्योग्राफी जो टफ है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? अंतरिक्ष में सिर्फ ग्रह तारे होते हैं, जीव नहीं होता। ओके सर, थैंक यू सर। जाओ। कैसे कैसे बेवकूफ लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अंतरिक्ष में जीव होते हैं। अनरियलिस्टिक, स्टूपिड। ये कौन सी भाषा है? अंकल, बीयूटी बट होता है, तो फिर पीयूटी पुट क्यों होता है, पट क्यों नहीं होता? अंकल आप ही ने कहा है, लॉजिक समझा करो। हाँ मैंने कहा था, वो वैसा रूल है। किसका रूल है? इंग्लिश का रूल है। अमेरिकन अंकल, अमेरिका का नहीं, इंडिया का रूल नहीं है क्या? अरे है, लेकिन वो हिंदी भाषा के लिए है। अंकल आप सब उल्टा सिखा रहे हो। ए, किसने कहा ऐसे? वो अंतरिक्ष वाली बात। हाँ वो अंतरिक्ष वाली बात सच है वो। लेकिन अंकल हमारे शर्मा सर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। कौन है ये शर्मा? हमारे क्लास टीचर, और उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझे सिर्फ हिस्ट्री हिंदी सिखाओ, ज्योग्राफी नहीं सिखाओ। ए, वो तुम्हारे शर्मा के बच्चे को कहो कि मेरे पास प्रूफ है, देयर इज लाइफ इन द स्पेस। अंकल शर्मा सर के बच्चे ने नहीं, शर्मा सर ने कहा है। शट अप। देखो वो शर्मा को बताओ अगर अपने आप को अपडेट नहीं रख सकते तो सिखाना छोड़ दो। बस हो गया, अभी स्टडी बस हो गया, कुछ नहीं आता है तुम्हें। जाओ जाकर कह दो उस गधे से कि मेरे पास भी प्रूफ है, मैं भी 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, एंड बी ऑनर्स विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी एंड क्या कहते हैं वो, एस्ट्रोफिजिक्स। सर डंडा अंकल भी बीए है। चुप, कल से डंडा अंकल के पास ट्यूशन जाना बंद, वरना मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। कल वो कहेगा कि इंसान को पूछ होती है। सर डंडा अंकल ऐसा नहीं कह सकते, वो इतने तो समझदार है। शट अप, गेट आउट। शर्मा को कोई तमीज नहीं है, बच्चों के साथ ऐसे बर्ताव करता है। तुम भी बेवकूफ, मार खा के आ गया, कह नहीं सकते चंडा अंकल इज ऑलवेज राइट। लेकिन अंकल उनकी बात भी तो बराबर है। चुप, गधे की धूम को तो मैं देख लूंगा। अरे मेरी ट्यूशन बंद कर देगा, मैं तुम्हारा स्कूल बंद कर दूंगा, समझे कि नहीं? मैं सही हूँ, मेरे पास 20 सालों का एक्सपीरियंस है। अरे एक्सपीरियंस गया समंदर में, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, समझे कि नहीं? तेरा अंकल बेवकूफ है। वो तेरा शर्मा बेअक्कल है, और तू भी तो उसकी बात मानता है। तुझे समझना चाहिए ना, यू आर स्टूपिड फूल। बोल, तू मानता है कि नहीं मैं सही हूँ? बोल। मेरे पास 20 सालों का एक्सपीरियंस है। अरे एक्सपीरियंस गया समुंदर में, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। तेरा अंकल बेवकूफ है। तेरा शर्मा बेअक्कल है। तुझे समझना चाहिए ना, यू आर स्टूपिड फूल। तू मानता है कि नहीं कि मैं सही हूँ? मेरी हालत तो एकदम टेनिस बॉल जैसी हो गई है, यहाँ से डंडा अंकल मारते और वहाँ से शर्मा सर मारते। गिली एक काम कर, तू शर्मा सर से कह कि डंडा अंकल उनकी बात मान गए, और डंडा अंकल से कह कि शर्मा सर उनकी बात मान गए। तानिया ये मैं कर चुका हूँ। तो फिर डंडा अंकल ने क्या कहा? डंडा अंकल बोले उस शर्मा की औकात ही नहीं है कि वो मेरी बात माने, गिल्ली तू झूठ बोल रहा है। बेचारा गिल्ली। हे मेरे सर जी को बेचारा मत कहो, वो स्ट्रॉन्ग है, वो दोनों का मार खा सकते है। गोल्डी अब तुम मेरे हाथ से मार खाएगा। सर जी तो फिर आप एक काम करो, आप स्कूल बदल डालो। इम्पॉसिबल। तो आप डंडा अंकल को बदल डालो। क्या मेरा मतलब? सर जी आप आपका घर बदल डालो। गोल्डी मेरे बाप अब तू चुप बैठेगा। गिल्ली एक बात मेरे समझ में नहीं आती,
उन दोनों को लड़ना ही है तो वो डायरेक्टली क्यों नहीं लड़ते, वो तुम्हारा सैंडविच क्यों बनाते हैं? और नहीं तो क्या, बड़े फिर भी ये हाल है, छोटे होते तो पता नहीं क्या करते। रिंकी तू स्टूपिड जैसी बातें क्यों कर रही है? यू स्टूपिड। बस हो गया, इन झगड़ों से तो मैं तंग आ गया हूँ। सॉरी। यस, मेरे दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम लेटर लिख के दोनों को मिलवाए। उनको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी क्या? तो फिर हम कंप्यूटर से टाइप करेंगे। यस, चलो। गिल्ली कहाँ है पल्लवी? मैंने उसे जरा बाहर भेजा है, आज उसके सर आने वाले हैं ना। डांडा साहब आप भी उनसे मिल लीजिए। हाँ, अरे उसको मिलने के लिए तो मैं बहुत बेताब हूँ। डांडा साहब मैं किचन में हूँ, आपको कुछ चाहिए? ऐसा करो, नहीं। क्या ये गौरी शंकर? आप वेद प्रकाश? तुम? अरे गौरी, तू कैसा है? मैं फर्स्ट क्लास है, तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ। बस हो गया, बस बहुत हो गया। और कॉलेज के जमाने के बाद? हाँ यार, इतने दिनों के बाद मिल रहे हो, कैसा है तू? फिर दोहरा रहे हैं हम लोग। हाँ बोलो। तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे मैं एक गधे से मिलने आया हूँ। और तुम? अरे मैं यहाँ पड़ोस में रहता हूँ। हाँ? और मैं भी एक उल्लू के पट्टे को मिलने आया हूँ। खुद को टीचर कहलवाता है लेकिन है फटीचर। फटीचर टीचर क्या जोक करता है, अभी तक आदत नहीं गई तुम्हारी। अरे मैं भी एक बेवकूफ से मिलने आया हूँ। अच्छा? अरे प्राइवेट ट्यूशन लेता है, अरे अरे दो टके की औकात नहीं उसकी, और बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे यार देखो ना कैसे कैसे लोगों को भर्ती करते हैं। हाँ। ये टीचर हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे? हाँ यार मुझे भी बहुत परेशानी होती है। हाँ। कुछ भी हो यार, लेकिन तुमसे मिलकर बहुत आनंद। दोस्ती हो गई का क्या मतलब है? अरे हम कॉलेज के जमाने से दोस्त हैं। ऐसा? हाँ सही में। क्यों गुलशन सिन्हा, कहाँ है वो तुम्हारा ट्यूटर, वो उल्लू का पट्टा? कहाँ है वो तुम्हारा बुद्धिमान, कौन फटीचर टीचर? अंकल क्या सर, आप एक दूसरे के सामने हो और मुझसे पूछ रहे हो? लो एक दूसरे के सामने हो। वेद के बच्चे तुम? कटिया गौरी तुम? ये बकवास तू पढ़ा रहा था? और तू कौन सा गुल खिला रहा था? जमाने के साथ सब चलेगा तू? अरे जमाने के पीछे तो तुम हो। तू कौन सा चांद पर पहुंच गया? अरे जा सेकंड ईयर बीए में गुलाटी खाने वाले। अरे जा साइकोलॉजी में 3 बार 0 लाने वाले जा। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश अच्छा सब्जेक्ट है। अरे अंग्रेजों का टट्टू है तू। इसी एटीट्यूड की वजह से संध्या ने तुम्हें ठींगा दिखाया था। अरे संध्या तो तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखती थी क्योंकि तुम बुद्धू था। हाँ मैं बुद्धू। और तुम्हें क्या पढ़ाई में गोल्ड मेडल मिलते थे? अरे खुद तो हो पढ़ाई में 0 और अब बच्चों के सामने बनते हो हीरो। अरे जा खुद तो है जिंदगी में प्लस और बच्चों के सामने शट अप। एक मिनट, क्या आप लोग बच्चों की तरह क्यों झगड़ रहे हो? अरे हम तो कॉलेज के जमाने से झगड़ते हैं। यू शट अप। और एक मिनट, हम झगड़े या एक दूसरे की जान ले, आप कौन होते हैं हमें समझाने वाले? कौन होते हो तुम? मैं कौन होता हूँ? ये बंगले का मालिक है। आप दोनों ने एक बात तो डिसाइड ही नहीं की। कौन सी? स्पेस में लाइफ होती है या नहीं? स्पेस में लाइफ होती है? नहीं होती है? नहीं होती है? होती है? नहीं होती है? नहीं होती है? 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 अरे ये बड़े भी कितना झगड़ते हैं ना, ये हम बच्चों की तरह झगड़ा भूल नहीं सकते। इन्हें हम बच्चों से कुछ सीखना चाहिए।